हाय एवरीवन, गुरुग्राम बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप कंपनी टेक ईगल ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि लास्ट वीक गुजरात के कच्छ रीजन में उनके ड्रोन ने 46 किलोमीटर की डिस्टेंस सिर्फ 30 मिनट्स में तय कर ली और पार्सल को सेफली डिलीवर्ड किया है। अगर हम इसे सरफेस ट्रांसपोर्टेशन से कंपेयर करें यानी गाड़ी और बाइक के तुलना कंपेरिजन में यह 5 times फास्टर स्पीड है किसी भी पार्सल को डिलीवर करने की। खासकर ड्रोन बेस्ड डिलीवरी हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। कंपनी ने मेघालय में भी एक इसी तरीके की ड्रोन डिलीवरी का एक ट्रायल किया था जिसमें उन्होंने मेडिसिन का 2 kg वेट वाला पार्सल डिलीवर किया था। इस पार्सल को डिलीवर करने में ड्रोन को 25 मिनट लगे। अगर हम इसी डिस्टेंस को बाइक या कार से कवर करते हैं तो हिली एरियाज होने की वजह से इसमें 4 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। इससे यह मालूम होता है कि पहाड़ी एरिया में ड्रोन बेस्ड डिलीवरी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बात करें गुजरात के कच्छ रीजन की जिसमें ड्रोन ने 46 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। ये इंडिया में किसी ड्रोन की हेल्प से तय की गई लॉन्गेस्ट सिंगल डिलीवरी फ्लाइट है क्योंकि ड्रोन फ्लाइट्स में हवा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कंपनी ने विंड स्पीड को भी मेंशन किया है जो उस टाइम 30 किलोमीटर पर आवर थी। लास्ट मंथ ही कंपनी ने एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL ड्रोन लॉन्च किया था जिसको उन्होंने वर्टीप्लेन X3 नाम दिया। वर्टीप्लेन X3 की प्ले लोड कैपेसिटी 3 kg है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर है। मजे की बात यह है कि ये ड्रोन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। देखने में ये बिल्कुल छोटे एरोप्लेन की तरह दिखता है लेकिन ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड करता है जिसकी वजह से ये पार्सल को 5x5 meter के छोटे से एरिया में भी डिलीवर कर सकता है। कंपनी के को-फाउंडर अंशु अभिषेक का गोल है कि ऑल ओवर इंडिया में इसी तरीके की फास्ट डिलीवरी को इंप्लीमेंट किया जाए। बेंगलुरु बेस्ड लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने भी लास्ट मंथ अपनी कंपनी की ग्रोसरी सर्विस के लिए ड्रोन ट्रायल किया था। इसके लिए कंपनी ने 4 ड्रोन एज ए सर्विस ऑपरेटर से टाई अप किया है जिसमें से टेक ईगल भी एक कंपनी है।